भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है। तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब नवाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी पुलिस ये नाम ही काफी है, क्योंकि इनका भौकाल देखने को मिलता है हर जगह। इनकी ईमानदारी देखने को मिलती है, बात चाहे अपराधियों को सबक सिखाने की हो या कांवड़ियों के छाले पड़े पैरों में दवा लगाने की हो, यूपी पुलिस हर बार दिल जीत लेती है। ये तो हमारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन इनके क्या हालात है ये कोई नहीं जानता। इनके इस मजबूत रहने के पीछे कितना दर्द है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब एक कांस्टेबल ने रो रो कर पूरा खुलासा किया है कि पर्दे के पीछे की आखिर कहानी क्या है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई है, जहां पुलिस मेस में खाने की क्वालिटी को लेकर कांस्टेबल मनोज कुमार ने रो रोकर जब अपनी बात रखी तो सब सन्न रह गए। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। आरक्षी पर समस्त उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिगड़ दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही है। तो देखा आपने कैसे बिलक बिलक कर ये रो रहे हैं और अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि सारा दिन काम करने के बाद उन्हें ऐसा खाना मिलता है। और ये वाकई में बहुत दुख की बात है कि सारा दिन काम करने के बाद जब ऐसा खाना मिलेगा जिसे खाना मुश्किल हो। वहीं आपने ये भी सुना होगा कि कांस्टेबल का कहना है कि उनका परिवार भी आ नहीं रहता, इसलिए खाना खाना उनकी मजबूरी है। वही जनता भी ये वीडियो देखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, जहां एक यूजर ने लिखा है, यूपी पुलिस स्टाफ के साथ ये उचित नहीं है, ये हमारे हीरो है। दूसरे यूजर ने लिखा है, इस बेचारे ने सारे पुलिस फोर्स का दुख बयां किया है, पर कोई पुलिस वाला साथ नहीं देगा, योगी सरकार इस पर जरूर एक्शन लेगी। एक और यूजर ने लिखा है, विश्व गुरु भारत की हालात, जो खाने लायक खाना नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं हमारे जवानों को, जो दिन रात ड्यूटी पर लगे रहते हैं। एक और यूजर ने लिखा है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में और भ्रष्टाचार होता, क्योंकि सैलरी पेट्रोल खाना सभी गड़बड़ है। एक और यूजर ने लिखा है, आज की डेट में छोटा आदमी कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। वीडियो में कांस्टेबल कह रहा है कि ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाए, यानी कांस्टेबल को भरोसा है कि सीएम योगी इस पर कुछ एक्शन जरूर लेंगे। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। फिलहाल हम आपको इस पूरे वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं, आप सुनिए कांस्टेबल मनोज कुमार की पूरी बात। समस्त उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिगड़ दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही मोहल्ले द्वारा, कर्णा द्वारा, मेस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, बहुत अगर नहीं हो रही है, ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा, फोन काट दो बंदा, बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएस बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया साहब को फोन किया, लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ, जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते दबाते जाते दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही।
मर जाते चले जाते, दो घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब लोग, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी।